गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? अच्छे। खाना खा लिया? यस मैम। क्या खाया आज मिड डे मील में? दाल चावल। कैसे बने थे दाल चावल? सबको पसंद आए? ओके, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज 27th डे। टुडे इज 27th डे। ओके, राइट डाउन हियर 27th। व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन? 9th मंथ इज गोइंग ऑन। व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन? 9th। ठीक है, 9 के पीछे क्या लगेगा बच्चे? TH। क्या लगेगा? 9th। क्या बन गया? 9th मंथ इज गोइंग ऑन। ओके, विच ईयर इज गोइंग ऑन? 2023। क्या है रोशन? 2023। 3 6 नहीं बच्चे, 3। क्या? 2023 ईयर इज गोइंग ऑन। ओके, नाउ टेल मी, व्हाट इज द डे टुडे? वेडनेसडे। टुडे इज वेडनेसडे। वेडनेसडे नहीं बेटा, डी यहाँ पर क्या है? साइलेंट। डी लिखने में तो आएगा पर बोलने में साइलेंट हो जाएगा, ठीक है? तो WEDNESDAY, वेडनेसडे। क्या है बच्चे? वेडनेसडे, ठीक है? और इसको देखो, लिखते हमने क्या है? वेडनेसडे, पर बोलेंगे क्या? वेडनेसडे। क्या बोलेंगे बच्चे? वेडनेसडे। लिखते क्या है? वेडनेसडे। क्या लिखते हैं बच्चे? वेडनेसडे, बट बोलते क्या है? वेडनेसडे। ओके, राइट डाउन हियर HW मीन्स होमवर्क, ठीक है? नाउ रीड द लाइन, कलर द पिक्चर्स एंड आइडेंटिफाई एंड सर्कल द व्यंजन। इन पिक्चर्स में हमने क्या करना है? कलर। क्या करना है बच्चे? कलर। और आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है, एंड सर्कल द व्यंजन, और व्यंजन को सर्कल करना है कि कौन सा व्यंजन है, ठीक है बच्चे? ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ, ये क्या है? घर। हिंदी में घर, इंग्लिश में हाउस, ठीक है? देन नेक्स्ट पिक्चर कौन सी है? टब। देन नेक्स्ट, ये किसकी पिक्चर है? आम, यानी कि फल, ठीक है? तो इनमें सबसे पहले करेंगे कलर, ठीक है बच्चे? देखो बच्चों, ये हो गया हमारा कलर, ठीक है? हाउस में कौन सा कलर हुआ है? ऑरेंज, ब्लू एंड येलो, ठीक है? हमने हाउस में कौन सा कलर किया? ऑरेंज। और लाइनिंग में कौन सा किया है? ब्लू। और डोर में और विंडो में कौन सा किया है? ब्लू। विंडो में किया येलो और डोर में किया हमने ब्लू, ठीक है? देन नेक्स्ट, टब में कौन सा कलर किया? रेड, ग्रीन एंड स्काई ब्लू, ठीक है? हमारे कौन से कलर का टब है? ग्रीन और रेड। और पानी कौन से कलर का होता है? स्काई ब्लू का। और हमने फ्रूट में कौन सा कलर किया बच्चे? येलो और ग्रीन, ठीक है? आप बताओ मेरे को ग्रीन की स्पेलिंग? GREEN। ग्रीन। येलो की बताओ? YELLOW, येलो। अब बताओ स्काई ब्लू की? SKY। बोलो मेरे पीछे, BLUE, स्काई ब्लू, ठीक है? ऑरेंज की बोलो? ORANGE, ऑरेंज। अब बोलो आप, कौन सी बची? सभी हो गई, ठीक है? ओके, सभी स्पेलिंग्स हो गई हमारे BLUE। बोलो BLUE, ब्लू। देन देखो, रीड करो इस लाइन को।
घर घर बोलो घर घर पर पर चल चल घर पर चल घर पर चल अब बोलो छत छत पर पर मत मत चढ़ चढ़ छत पर मत चढ़ टब टब भर भर कर कर रख रख तब भर कर रख अब बोलो फल फल चख चख फल चख। अब देखो अब हमने क्या करना है सर्कल करना है उस व्यंजन पे जो पिक्चर में है। अब बोलो सबसे पहले बोलो कौन सा व्यंजन है। घ और र व्यंजन तो घ और र व्यंजन को ढूंढो इसमें कौन सा है घर है। वेरी गुड। तो इसको दे दिया हमने नाम वन। क्या नाम दिया फर्स्ट यानी कि वन। इसको दिया टू एंड इसको दिया थ्री। ठीक है आप देखो फर्स्ट वाला घर व्यंजन घर घ और र व्यंजन कहाँ पर है यहाँ पर। तो इसको हमने क्या कर देना बच्चे सर्कल। क्या कर देंगे सर्कल। पेन ने मना कर दिया कि मैंने नहीं चलना सर्कल। इसके आगे लिख देंगे वन। देन नेक्स्ट बोलो ये कौन सा व्यंजन है टब टब टब। अब देखो यहाँ ढूंढो टब कौन सा है। वेरी गुड। अब देखो ये हो गया हमारा टब टब। अब बोलो ये हमारा व्यंजन हो गया सेकंड। अब बोलो ये कौन सा है फल। फल कहाँ पे है। वेरी गुड। फिंगर हटाओ बच्चे। फ और ले व्यंजन दो व्यंजन मिलके बन गया फल और ये यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे नंबर थ्री। अब देखो ये हमारी छत है। ये घर की क्या होती बेटा छत। तो इसके आगे हम नंबर फोर लिखेंगे और लिखेंगे छत छत। अब बोलो नंबर फोर कहाँ पे है छत। छ और त कहाँ पर है छत छत छत। अब छत को क्या कर देंगे सर्कल। छत को सर्कल करके लिखेंगे कौन सा नंबर है ये फोर्थ नंबर। तो इसके आगे लिख देंगे फोर्थ नंबर। ठीक है अब देखो ये पानी भरा हुआ है ना तो ये व्यंजन हमारा हो गया फिफ्थ। इसके आगे लिखो भर भर। अब बोलो भर व्यंजन कहाँ पर है। वेरी गुड। अब यहाँ पर भर है भर को कर देंगे सर्कल। क्या कर दिया बच्चे और इसके आगे नंबर लिख दिया फिफ्थ। कितना नंबर फिफ्थ। कितना नंबर लिख दिया। हाँ जी हार्दिक क्या नंबर लिखा है फिफ्थ। आयुष हार्दिक देखो घर फर्स्ट व्यंजन घर 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 सेकंड टब टब थर्ड फल 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 यही है ना ऐसा ही ना फ और ले। अब देखो फोर्थ व्यंजन छत छत छत। अब देखो छत कहाँ है फोर्थ छत छत। अब देखो भर भर फिफ्थ व्यंजन कहाँ पर है भर भर। ठीक है बच्चे तो इस तरह से हम अपना होमवर्क करेंगे कंप्लीट। ठीक है इनको रीड करेंगे हम चार से पांच बार। कितनी बार रीड करेंगे बच्चे और इनको लर्न करेंगे। ये व्यंजन जो हमें लर्न हो जाने चाहिए। क्या हो जाने चाहिए बच्चे लर्न होने चाहिए। इनके अल्फाबेट्स की हमें अब पहचान हो जानी चाहिए। ठीक है डेली रीडिंग करते हैं स्टिक से करवाते हैं ना रीडिंग तो अब आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा व्यंजन है। ठीक है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये हो जाएंगे लर्न। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार हम परफेक्शन को पाएंगे। ठीक है कब परफेक्ट होंगे जब बार बार रीडिंग करेंगे और इनको मैच करते जाएंगे। ठीक है तो रूटीन लाइफ में
जो भी हमारे सामने वर्ड्स आते हैं उनके साथ हमने इनको मैच करते रहना है, ठीक है? ठीक है बच्चे, कौन कौन करके लाएगा होमवर्क? मैं। पक्का? ओके, बाय एवरीवन।